चले ब्रेक से बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हरभजन सिंह साहब, आपने सुन लिया होगा जब मैं हेडलाइन पढ़ रहा था तो उसमें एक हेडलाइन थी, राहुल गांधी ने कहा कि पूंजीपतियों को सौंप रही है सब कुछ ये सरकार। उसके पहले भी हम चर्चा कर रहे थे, मैं नहीं चाहूंगा कि आप पॉलिटिकली उस पर कोई कमेंट करें, उद्योगपतियों का अपना अलग एक क्षेत्र है, लेकिन जब आत्मनिर्भर भारत पर जोर इस सरकार में बजट ने दिया और प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, तो क्यों आखिर लगता है विपक्ष को कि नहीं इसमें पूंजीपतियों का ही सब कुछ है या फिर विदेशियों के हाथों में बेचना जैसा कुछ है? और अगर दूसरे पहलू को अगर हम जोड़कर देखें यहां पर, तो क्यों आपको यह लगता है कि यहां सरकार आत्मनिर्भर भारत की बात कर रही है और इस बजट में बहुत कुछ उस सेक्टर के लिए दिया गया है, आप लोगों को उसका लाभ मिलेगा और आपके जरिए आम व्यक्ति को, आपसे जुड़े व्यक्ति को मिलेगा? देखिए, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है उसकी परिभाषा अगर आप देखें तो अब ये कर दिया गया कि 2 करोड़ तक का पेड अप कैपिटल और 20 करोड़ तक का टर्नओवर जो है इस रेंज तक की कंपनियां अब स्मॉल स्केल में आई जी। और ये जो वर्ग है ये वैसा वर्ग है जो जिसके संघर्ष और जिसके उत्पादों से ही बड़े उद्योग चल पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि उद्योग में जुड़ा हुआ हर व्यक्ति जो है वो अमीर है या बहुत ही उसका जीवन सरल है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ना तो हर उद्योगपति बहुत आराम से और सहज से जी रहा है, सबके अपने अपने संघर्ष हैं, और ना ही नौकरी पेशा ही लोग सारे गरीब हैं, सबका अपना एक अपना अपना एक स्तर है, और अगर स्तर ऊंचा है, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो किसी भी पहलू से जुड़ा हुआ इंसान हो, अगर स्तर ऊंचा है तो उसका जीवन सहज है, सक्षम है। बिल्कुल, लेकिन ये जो निचला वर्ग, मैं कहूंगा कि स्मॉल इंडस्ट्रीज वाला वर्ग जो है, ये इसके लिए तो प्रॉफिट अर्जित करना अपने आप में एक बहुत बड़े संघर्ष का कारण है, और कोविड की मार ऐसी पड़ी है कि अभी भी इसको उठने में काफी वक्त लग रहा है। तो सरकार ने इस तरफ तवज्जो दी है तो मैं तो कहूंगा कि ये अच्छा ही हुआ है। दूसरा, मेरा अपना कहना है कि जवान और किसान के बाद अगर कोई सबसे बड़ा देशभक्त इस देश में है तो वो है जो किसी को रोजगार देता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल। अगर अपने घर में अगर किसी महिला को काम पे भी लगाते हैं और वो 4 घरों में कुछ काम करके जीविका अर्जित करती है तो उसकी कमाई से उसका चूल्हा चौका चलता है। तो मैं तो कहता हूँ कि हर आदमी जिसके पास भी थोड़ा भी सामर्थ्य हो उसे रोजगार उत्पन्न करने में अपना जरूर योगदान देना चाहिए। बिल्कुल, तो इसलिए मेरा ये, मैं राजनीतिक पेचीदगियों को जानता नहीं और ना मैं उसमें जाना चाहता हूँ। मेरे को तो ये समझ में आता है कि स्टिमुलस जो मिलेगा कंजम्पशन को, कि अगर डिमांड मार्केट में बढ़ेगी, अगर अब हाईवेज बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, तो ये इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर वृद्धि होगी, अब जैसे मुझे इस चीज की बड़ी खुशी है, 35,000 करोड़ रुपया हेल्थ सेक्टर के ऊपर फोकस किया गया है। कोविड ने हमें आईना दिखा दिया कि हमारी हालत क्या थी हेल्थ सेक्टर। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तो हमारे देश के लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारे पास वो टैलेंट था, इन इकोसिस्टम बहुत सपोर्टिव ना होने के बावजूद वो भारतीय टैलेंट था जिसने कोविड की मेडिसिन निकाल के विश्व में अपनी पताका फहराई है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा अरविंद सिंह साहब, और आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि हर एक व्यक्ति, जवान हो किसान हो, उसके अलावा हर एक व्यक्ति जो रोजगार कहीं से भी सृजित करता है उसका भी इस देश के लिए बड़ा योगदान होता है और यह अपने आप में बड़ा कदम होता है। और जो भारत ने देखा, दुनिया ने झेला एक ऐसा वायरस जिससे उसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उस वायरस से लड़ाई के लिए भारत 100 देशों को वैक्सीन दे रहा है, अपने यहां के लिए तो प्रावधान है ही, लेकिन 100 अन्य देशों के लिए यह देखिए भारत की एक उपलब्धि है और दुनिया के लिए भारत का योगदान है। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण अब हो जाएगा, रमन सलूजा साहब, मैं आपसे उस सेक्टर में आना चाहूंगा बात करने। देखिए, राजनीति पर हम बात आपसे बहुत ज्यादा नहीं करना चाहते, वो आप लोग का दायरा नहीं है, लेकिन जब सरकार ने ये प्रावधान दिए इस बजट में तो आपको क्या लगता है, क्योंकि कई बार खुद मेरे मन में भी यह सवाल आता है कि क्या वाकई धरातल पर उतर पाएगा, आपको खुद जो अनुभव है उसके आधार पर आप कैसे समझ रहे हैं कि किन किन क्षेत्रों को इस बार खासतौर से टारगेट किया गया है? क्योंकि ग्रामीण अंचल से लेकर शहरी अंचल
इन जगहों पर जल को अगर लाना है, जल मिशन के तहत लाना है, बढ़िया और शुद्ध जल लोगों को मिल जाए, लेकिन उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर है, एमएसएमई सेक्टर है, ग्रामीणों से जुड़े हुए सेक्टर्स हैं, उद्योग और ग्रामीण अंचल को जोड़कर देखें तो वहां पर कौन से वो की पॉइंट हैं जो आपको लगता है कि उद्योगपतियों के लिए भी एक ओपन मार्केट की तरह खुलेगा इस बजट में? साहब बेसिकली एक तो मार्केट सेंटिमेंट बहुत जरूरी होता है और जैसे जैसे अब हम कोविड की महामारी से निकल रहे हैं, वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है काफी तेजी से जी, इससे जो एक मेंटल स्टेबिलिटी आ रही है और लोग चाह रहे हैं कि अब हम बाहर निकले, कंज्यूम करें, स्पेंड करें, जो अपनी अपनी अगर व्यापार में और आगे बढ़ाने की सोचें जी, सो ये एक सेंटिमेंट अब आ रहा है थैंक्स टू द फैक्ट कि कोविड अब गॉड बी विलिंग अंडर कंट्रोल ही रहे, वो एक बहुत अपना है। दूसरा जैसे जैसे सरकार का ये काम है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़े, जितनी भी अड़चने हैं उनको हटाए, और जिस हिसाब से ये डिजिटाइजेशन की अब हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स, इनकम इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंस टू जीएसटी, इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स दैट हैव इंक्रीज्ड, इन टर्म्स ऑफ द मोर डिजिटल पेमेंट्स दैट आर हैपनिंग, जब हम छोटे छोटे वर्ग के उद्योग से जुड़े लोगों से भी बात करते हैं जी, तो काफी लोग काफी खुश है कि जो पहले अपना खाता वगैरह नहीं रखते थे अब द परसेंटेज ऑफ कंप्लायंस है ग्रेटली इंक्रीज्ड और उनका कैपिटल बढ़ रहा है, उनको बैंक्स में से लोन मिल रहे हैं, सो वो वर्ग एक बहुत खुश लेवल पे चल रहा है जी। सो हमें तो सरकार से हर टाइम यही प्रार्थना रहती है कि जहां जहां वो जो ऑब्स्टिकल्स है बस वो रोड बॉक्स को निकालने का काम करे, बाकी जो भी उद्योग होते हैं वो अपने बलबूते पे अपनी एंटरप्रेन्योरल जो इंस्टिंक्ट्स है उसी पे ही चल रहे हैं और वो चलते रहेंगे, और जितनी जल्दी ये बाधाएं कम हो उतनी ही तेजी से एमएसएमई सेक्टर ऊपर बढ़ेगा। ठीक है, जो पॉलिटिकल बातें होती है वो होती है 5-10% ऑफ द इंडस्ट्री जी, अगर जैसे हरभजन जी ने कहा कि हम उनको छोड़ के अगर आप 90% ऑफ द एंटरप्रेन्योरल सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखो, हम उन पे कॉन्सेंट्रेट करें कि उनका सेंटिमेंट कहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो हमें लग रहा है कि धीरे धीरे अब काफी पटरी पे आ रहा है और काफी छोटे से छोटा वर्ग भी उद्योगपति अब आगे एक पॉजिटिविटी के सोच से आगे बढ़ रहा है। तो ये हमें सेंटिमेंट पॉजिटिविटी पे काम करने का बिल्कुल कंटिन्यूअस एफर्ट ऑफ मेकिंग श्योर दैट पॉजिटिव फैक्टर रिमेन। चलिए, सिर्फ सेंटिमेंट को नहीं देखना है बल्कि परसेंटेज ऑफ सेंटिमेंट। आपने जैसा कहा कि अगर हम 90% के सेंटिमेंट पर फोकस करेंगे तो ज्यादा बेहतर है, बल्कि रादर देन अगर हम देखें कि जो 10% नकारात्मक बातें हैं उस सेंटिमेंट्स को हम किनारे कर दें, वो होता रहेगा, वो भारत का लोकतंत्र है। पंकज जी, अब मैं आपसे स्पेसिफिक सवाल ले रहा हूं, टेक्सटाइल हब को लेकर देखिए बहुत फोकस इसमें ऐलान इस बजट में हुआ है, कुछ और भी क्षेत्र हैं जिसके लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं, ग्रामीण अंचल, शहरी अंचल, उन तमाम चीजों को लेकर आपको खुद क्या लगता है, और आप जिस सेक्टर से जुड़े होंगे उद्योग में, क्या लगता है कि वहां पर इस चीज में कितना ज्यादा अभी होना बाकी है भारत में, प्रदेश में, देश में? बहुत बड़ा एक मार्केट जो कि बंद ही पड़ा था या खुला ही नहीं था कभी, उस पर अब इस प्रावधान से कुछ असर आएगा और बड़ा असर आएगा। अतुल जी, पहले मैं आपका थोड़ा सा वो जो पहले आपने क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब देता हूँ। बिल्कुल, जो हरभजन जी से पूछा था इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और बड़ी कंपनियों के बारे में, मेरा उसमें है कि जैसे हमारे जो लोग ना बीच में कुछ मतलब नाम क्या लेना है, तो ज्यादा ना ये नाम आ रहे कि कोई अंबानी का नाम ले रहा है, कोई अडानी का नाम ले रहा है, कोई और कंपनी बड़ी बड़ी का नाम ले रहा है कि उनको जो है हम प्रमोट कर रहे हैं, यू नो दैट वे।
तो कहने का मतलब है कि जैसे अगर मैंने अगर कोई बिल्डिंग बनवानी है फैक्ट्री की, तो मैं ढूंढता हूँ जो सबसे बढ़िया जो बिल्डर है, बिल्कुल अच्छा, जो प्रोजेक्ट अच्छे काम करता है, जिसके पास मैन पावर है, जिसके पास नो हाउ है, जिसके पास कंसल्टेंट है, उसी को हम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जब उसको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो डाउन द लाइन जो आदमी काम करते हैं, वो तो कॉमन आदमी काम करता है हर काम में, उसमें छोटा उद्योगपति भी आ जाता है, बड़ा भी आ जाता है। आज मारुति कोई बना रहा है, बिग कंपनीज बना रही हैं, जापानीज कंपनीज आ गया जी, तो उसमें मटेरियल तो हम दे रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग वेंडर दे रहे हैं, हजारों वेंडर है, हजारों वेंडर, और उनका अपना जो काम है वो एक्सपेंड कर रहा है इसी बेसिस पे दैट वी आर ए सप्लायर टू ए रिप्यूटेबल कंपनी। ऐसे जैसे अब वैक्सीन आया है, ये सीरम इंस्टीट्यूट से आया है, अब आप कहेंगे ये सीरम इंस्टीट्यूट को क्यों प्रमोट कर रही गवर्नमेंट, किसी और को दे दो नहीं, कहने का मतलब तो यही है ना, बिल्कुल बिल्कुल। वो जो आधार क्या नाम है पूना वाला, वो उसके साथ कोई मेरे रिलेशन हो गए ज्यादा, तो हमने उसको ऑर्डर दे दिया। अब ये नहीं कोई सोचता कि पूना वाला या सीरम इंस्टीट्यूट पिछले 50 साल से रिसर्च में लगा हुआ है, तो तभी तो वो वैक्सीन निकालने में सफल हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जो चीजें हैं ये नॉर्मल चीजें हैं, किसी को किसी का नाम लेके कह दे, बट इट डिपेंड अगर इंडियन ऑयल है ना, इंडियन ऑयल जो है रिफाइनरी लगा रही है, उसने 10,000 करोड़ में खर्चा किया हुआ है, अब मैं कहूँ जी मैं ही रिफाइनरी लगा लूँ, अब मुझसे तेल ही ना खरीदे तो यू नो दैट वे, मतलब ये जो चीजें है ना, आप समझे ना मेरी बात को, बिल्कुल बिल्कुल समझ रहा हूँ ऐसे। अच्छा फिर दूसरी तरफ देखो, वो कहता है कि जो 500 टॉप कंपनीज हैं दी वर्ल्ड, उसमें नाम हमारी शायद एक दो कंपनीज का ही है, बिल्कुल, तो वी शुड बी हैप्पी कि वी शुड हैव मोर कंपनीज इन 500, ताकि जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे सड़कें बनाने वाले, अब आप देखो हमारी सड़क बनती थी पहले, अगर वो 6 महीने साल में टूट जाती थी तो क्या कारण था, टेक्नोलॉजी का कारण था। नाउ वी आर इम्पोर्टिंग गुड मशीनरी, वी आर गेटिंग गुड पीपल फ्रॉम फॉरेन कंसल्टेंट्स की ये बताइए हमारा लोड फैक्टर क्या है, इसमें कितने ट्रक्स निकलने हैं, इस सड़क की जो ड्यूरेबिलिटी है वो बढ़ाई कैसे जाए, उसमें टेक्सटाइल जैसे आपने अभी बोला टेक्सटाइल में उसमें आ जाता है टेक्निकल टेक्सटाइल, तो टेक्निकल टेक्सटाइल में हम ना उसके नीचे जब फ्लोरिंग करते हैं सड़क की, तो उसके ऊपर हम जो है जियो टेक्सटाइल जो है उसको जियो टेक्सटाइल कहते हैं, जियो टेक्सटाइल टाइप के हम फैब्रिक और जियो ग्रेड वो नीचे लगाते हैं, ताकि जो सड़क जहां से बैठ जाती है वो इसलिए बैठ जाती है कि वहां से वो स्टोन और मड जो है बारिश के कारण या लोड के कारण शिफ्ट कर जाता है, तो उसको शिफ्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए वी यूज जियो ग्रेड एंड जियो टेक्सटाइल, पानी तो चला जाए लेकिन ऊपर से जो स्टोन और मिट्टी है वो उसके नीचे ना जा पाए, जिससे वो जो लेवल है वो स्ट्रेट रहेगा। ऐसे एयरपोर्ट्स के ऊपर भी आजकल वो जियो टेक्सटाइल लग रहा है। बाकी आपने जो बोला है कि गवर्नमेंट ने जो टेक्सटाइल के लिए किया है, गवर्नमेंट बहुत कुछ करने की कोशिश कर रही है, यू सी द प्रॉब्लम इज कि डाउन द लाइन जो इम्प्लीमेंटेशन है अतुल जी, वो आपने और मैंने करनी है, बिल्कुल बिल्कुल। प्रोजेक्ट भाई आपने मोदी जी ने कह दिया, सीतारमन ने कह दिया, टेक्सटाइल मिनिस्टर ने कह दिया ये प्रोजेक्ट लगाओ, उस प्रोजेक्ट का जो है वो जुनून होना चाहिए नीचे वाले लोगों में भी, बिल्कुल बिल्कुल। हमने 7 टेक्सटाइल पार्क जो बनाने हैं, या पीएलआई स्कीम क्या है, प्रोडक्शन इंसेंटिव है, वो सारे सेक्टर्स को दे रखा उन्होंने जी। उसमें क्या है कि अगर हमने 100 करोड़ की इंडस्ट्री है उसको उसका टारगेट दिया है कि आपने अगर अगले साल 150 करोड़ किया तो हम 50 करोड़ जो आपके बढ़ेंगे सेल के उसके ऊपर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव देंगे, तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो स्कीम्स बना रही है कि लोगों को मतलब बाहर से जो इंडस्ट्री आए यहाँ जी, उसको बजाय इसके कि वो सिर्फ प्रॉफिट कमाने आए, वो यहाँ प्रोडक्शन भी अपनी बढ़ाएगा तो और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। तो ये टेक्सटाइल पार्क बनाने का यही आइडिया था कि इन वन लोकेशन वी हैव नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज केटरिंग टू द डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो टेक्सटाइल रिलेटेड है, जिसमें कोई फिनिशिंग कर रहा है या कोई एक पार्ट्स बना रहा है या कोई फाइनल प्रोडक्ट बना रहा है, ताकि वो कंपोजिट, जैसे अभी कंपोजिट है टेक्सटाइल में, कंपोजिट क्या है कि फाइबर ग्लास और रेजिन और ये चीजें मिलकर स्टील को रिप्लेस कर रही है, जैसे पीछे गडकरी साहब ने भी अपने एक न्यूज़पेपर में अपनी रिपोर्ट दी थी
कि स्टील की जगह वी कैन यूज रीइंफोर्स्ड ये फाइबर ग्लास बिल्कुल material. बिल्कुल उससे क्या है कि आपकी जो ब्रिजेस हैं या सड़कें हैं और जहां जो यू कैन यूज लाइट वेट फाइबर ग्लास मटेरियल इंस्टेड ऑफ वेरी हैवी गर्डर्स तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी जो है वो बाहर से आएगी वी हैव टू गो टू फॉर जॉइंट वेंचर जैसे वो एफडीआई कह रहे हैं हमको जॉइंट वेंचर भी करनी पड़ेगी विद फॉरेन कंपनीज उनको भी बुलाना पड़ेगा टू टीच अस अब मैंने अगर रॉकेट बनाना है तो क्या मैं थोड़ी बना सकता हूँ रॉकेट बनाने वाली कंपनी HAL है या और कंपनी है वो बनाएगी आई विल बी सप्लाइंग कंपोनेंट टू देम बिल्कुल तो इसलिए जो है ये एक मतलब कहने वाली बात है कि भी आपने ये कर दिया वो कर दिया बेसिकली नहीं नहीं पंकज जी देखिए आपने बहुत गंभीरता से लेकिन बहुत ही तरीके से बात समझा दी और देखिये मैं बार बार ये कहता हूँ लेकिन हमारे देश में क्या करें पॉलिटिकल लोगों की अपनी मजबूरी है उनका पेशा है राजनीति तो कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा जब वो बात करते हैं किसी एक उद्योगपति या दो उद्योगपति का नाम लेते हैं तो मैं उनसे कई बार पूछता हूं कि उद्योगपति क्या अचानक से पैदा हो गए और अचानक से इतने अमीर हो गए ये तो आपके दौर में भी थे और तब भी ये बड़े ही उद्योगपति थे और वो उद्योगपति अगर केंद्र के साथ किसी योजना में जुड़ते हैं तो आपको आपत्ति और आपकी प्रदेश की सरकारों के साथ टाई अप होता है या प्रोजेक्ट आप उनको देते हैं तो उनसे कोई दिक्कत नहीं है तो बांट बांट कर राजनीति करने की अपनी परंपरा हमारे देश में है और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है सब चलता रहता है लेकिन आपने बहुत अच्छे से उस चीज को समझाया कि उसकी गलती नहीं है जो टैलेंटेड होगा जो कर सकता है और करवा सकता है उसी को मौका मिलेगा और नए और लोगों को मौका मिले इसके लिए कुछ चीजें इस बजट में है या फिर सरकारें उस पर काम करती रहती हैं। हरभजन सिंह साहब अब यहां पर सवाल ये कि जैसे मैंने टेक्सटाइल का जिक्र किया आपका अपना सेक्टर होगा उद्योग का बहुत सारे लोग अलग अलग क्षेत्र में जुड़े होंगे जिस बात का यहां पर जिक्र कर रहे थे पंकज जी कि ऐलान हो जाता है लेकिन इंप्लीमेंटेशन जो की बात होती है अगर हम कहें कि उसको किस तरीके से हम धरातल पर ले आएंगे वहां पर एक पहलू होता है सरकारी तंत्र का उसमें कुछ सुधार तो हुआ है लेकिन और भी ज्यादा सुधार की जरूरत थी आपको लगता है कि हाँ उसमें भी जो आज ऐलान किया गया है कुछ क्लॉजेज ऐसे हैं जिसमें और गुंजाइश है आपकी भी उम्मीद है कि उसमें कुछ और बदलाव किए जा सके इंप्लीमेंट करने के लिए उसको सरलता और रहे ज्यादा सही शब्द अगर हम यूज करें कि उसको और इजी किया जाए इजनेस बढ़ाई जाए देखिए ऐसा है कि तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखें पहले की बनिस्पत डिजिटलाइजेशन के आने से काफी चीजों में सरलता काफी बढ़ी है जी अभी मैं ये देख रहा था जैसे ये फेसलेस आईटी एपिलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया जी जी कि पहले क्या था कि कोई एक आयकर अधिकारी के पास आप अपील करते थे और वहां पर कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते थे तो अब ये फेसलेस कर दिया गया है जी तो इससे सुधार होगा फिर अगर आप देखें तो पहले जो केसेस ओपन होते थे 6 साल का टेन्योर था जनरल केस को भी ओपन कर देने का उसकी अवधि घटा के 3 साल की गई है और अगर 50 लाख से ऊपर की आशंका होती है कि इनकम शो नहीं की गई है तो वैसी स्थिति में ही 10 साल तक का प्रावधान रखा गया है तो चीजें तो धीरे धीरे सरल हो रही हैं पर देखिए ये एक तंत्र है जो चलता है रातों रात ऐसा नहीं होगा कि रातों रात सारी व्यवस्था बदल जाएगी और ट्रांजिशन कॉस्ट होती है जब भी परिवर्तन होता है चेंजेस ऑफ इनकन्वीनियंस ऐसे परिवर्तन जो कुछ ना हर परिवर्तन कुछ ना कुछ लोगों को असुविधा जरूर पहुंचाता है चाहे वो छोटा हो या बड़ा अब जो चेंजेस ऑफ इनकन्वीनियंस जो होते हैं जिनके लिए भी होते हैं उनको तो उससे परेशानी होती ही होती है और कोई ऐसा परिवर्तन नहीं है जिससे के किसी वर्ग को तकलीफ ना पहुंचती हो और किसी वर्ग को फायदा ना पहुंचता हो लेकिन व्यापक दृष्टि से ये देखा जाना चाहिए कि ज्यादा व्यापक समूह इन परिवर्तनों से फायदा उठा पा रहा है या नहीं पा रहा है तो मैं ये कहूंगा कि इनको आपने जैसे प्रश्न किया कि और जो किया जा रहा है इनको और सहज करने के लिए क्या क्या किया जाए तो ये तो मैं ये कहता हूं कि जितना बोला गया है उसका अगर 80% भी जमीनी धरातल पे उतर गया तो बहुत सारी तस्वीरें जो हैं वो बदल जाए चलिए बड़ी बात आप कह रहे हैं कि जो कहा गया उसका अगर 80% भी हो जाए 20% छोड़ भी दें अगर आप तो भी तस्वीर बदलेगी नहीं बल्कि बहुत बड़ी तस्वीर बदल जाएगी या कहें कि तस्वीर का एक अलग ही अक्ष दिखाई देगा बहुत जल्दी से रमन सलूजा जी फाइनल कमेंट ही आपका चाहूंगा आप समय नहीं है
सिर्फ इतना कि बैकअप की झलक किस बजट में है औद्योगिक क्षेत्र के लिए, बाकी अन्य क्षेत्रों के लिए भी, लेकिन ईज ऑफ बिजनेस की झलक भी आपको लगता है कि हाँ जल्दी ही दिखाई देगी और इस बजट के वजह से उसमें और ज्यादा सुलभता आएगी और ज्यादा कहें कि सहजता आएगी? अतुल जी, मैं बिल्कुल हरभजन जी के साथ सहमत हूं कि हमारा इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत जितना तगड़ा हो जाए उतना ही फायदा है। और दूसरा, हमारी जो काफी इश्यूज ऐसी हैं कि सेंटर गवर्नमेंट ने अनाउंस करा जी, इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट ने करनी है जी, तो जब तक एक स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर गवर्नमेंट में संतुलन नहीं है उस टाइम ये बहुत चीजें बहुत स्लगिश हो जाती है। अब इसको स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, फेडरल लिस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिस्ट, इसके ऊपर ये तो रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियंस ही इसका कुछ समाधान निकाल सकते हैं कि जो जो लॉज है उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्लीज जितनी जल्दी से जल्दी कर सके, अपनी पेटी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के इम्प्लीमेंटेशन करें तो सारी जनता का बहुत बहुत फायदा होएगा। चले, बहुत शुक्रिया रमन सलूजा साहब आपका, पंकज कपूर साहब आपका और हरभजन सिंह साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कई बिंदुओं पर अपनी राय रखने के लिए कि हाँ वाकई एक उद्योगपति इस बजट से क्या उम्मीद कर रहा था और कितनी उसकी उम्मीदें पूरी हो पाई हैं। देखिए राजनीति है वो होती रहेगी, भ्रम भी कई बार फैलाए जाते हैं, उसमें फंसना नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर का ही ऐसे उदाहरण हमने लिया तो वहां पर भी देखिए बेचने जैसा फिलहाल कुछ नहीं है, बल्कि उस सेक्टर को और ओपन किया गया और उससे लोगों की जो इंश्योरेंस की शक्ति हो सकती है या उसमें कुछ नए बदलाव हो सकते हैं वो होंगे। कई और भी चीजों पर हमने चर्चा की, लब्बुलुआब यह है कि एक उद्योगपति इस बजट से खुश दिखाई दे रहा।